सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो हर हालातों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बता सकता हूँ आप अपना एवरेज व्यू ड्यूरेशन कैसे इंक्रीज कर सकते हो। बने रहो वीडियो में एंड तक, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज जब आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन मतलब जब आपका AVD इंप्रूव होगा, तभी आपकी वीडियो वायरल होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ AVD के बारे में। AVD स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ भाई, अगर आपके पास भी इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई पहले अपना चैनल ग्रो कर ले या अपनी वीडियोस को ग्रो कर ले, तो आप इस तरह की कमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। बिकॉज़ ये वो लोग हैं जो सिर्फ डीमोटिवेट करते हैं, और कुछ लोग, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग सिर्फ इन कमेंट्स की वजह से यूट्यूब छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, सिर्फ वो इन कमेंट्स की वजह से अपना चैनल ग्रो कर ले या जो कुछ भी वट एवर वहां पर नेगेटिव कमेंट्स होती है उससे बहुत से लोग छोड़ के भाग जाते हैं। आपको सिर्फ इन्हीं कमेंट्स से नहीं भागना है। ये कमेंट्स पता कब सुनने को मिलती है आपको, जब आप तरक्की करते हो, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती है ना, तभी आपको हैटर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप कितने ही बड़े यूट्यूबर्स को देख लो, जब आप उनकी वीडियो देखोगे ना भाई, आपको वहां पर हैटर्स भी मिल जाएंगे। अगर जो 1 लाख ने थम दिया है ना, तो भाई उसमें से 10-20% ऐसा होंगे जिन्होंने थम डाउन भी किया होगा। ठीक है, ऐसा हुआ आपके साथ भी होता है तो भाई मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताना। और आपको डिमोटिवेट नहीं होना अगर इस तरह की कमेंट्स आपको देखने को मिल रही है। अपनी वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बता देता हूं। जब मैं भाई अपनी वीडियो पे, क्योंकि मैं एग्जांपल अपनी वीडियो को आपको समझाऊंगा ताकि आपकी इजिली से समझ आ जाए, जब मैं अपनी वीडियो के अंदर जो 5 मिनट की वीडियो होती थी या 7 मिनट की वीडियो होती थी मेरी, उसके अंदर मैं अगर अपनी वीडियो को सिर्फ कट टू कट रख के उसको ब्लैंक कर देता, तो भाई वीडियो में इतना ज्यादा एवरेज ड्यूरेशन नहीं आता था और ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम परसेंटेज आती थी उसकी। क्योंकि भाई एक इंसान जब बोलता चला जाता है तो शायद उसका हार्डली 1 मिनट देख लेगा, 30 सेकंड देख लेगा, बस 1.5 मिनट देख लेगा, लेकिन 2 मिनट से ऊपर नहीं देख पाएंगे लोग, क्योंकि यार ब्लैंक जा रहा है। हाँ, अगर कोई वहां पर एक प्रोफेशनल बंदा है या जिसको नोन है, जिसको लोग ऑलरेडी, हो सकता है उन लोगों की ब्लैंक वीडियो भी पूरी देख लें, और भाई देखते भी हैं, लेकिन जो न्यू क्रिएटर्स हैं लाइक यू एंड मी, हमारी वीडियो शायद कोई पूरी ब्लैंक वीडियो पूरी ना देखे। तो इसलिए आपको क्या काम करना है भाई, हर 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको टैक्स या कोई इमेज या कोई स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको लगा देनी है। जैसे कुछ भी एग्जांपल आप बता रहे हो, जैसे मैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन के बारे में बता रहा हूं, तो साइड में, लेफ्ट साइड में एवरेज व्यू ड्यूरेशन की कुछ टैक्सेस वगैरह दिखा सकता हूं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूं कि भाई कितना एवरेज आ रहा है मेरा एक वीडियो पे। अगर हम ऑडियंस को इस तरह से बांध के कहेंगे कि हाँ भाई उसकी जो हमें देख रहा है उसको हर 5 सेकंड में या 10 सेकंड में मतलब कुछ ना कुछ टैक्स वगैरह दिखते रहे, कुछ म्यूजिक चलता रहे बैकग्राउंड में, या कुछ खच 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 की आवाज, या मतलब जो भी हम टैक्स लगा रहे हैं उसके अंदर साउंड इफेक्ट आ जाए, तो भाई डेफिनेटली हमारी वीडियो में लोग इंटरेस्ट जमाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस तरह से करोगे और ये मैं भी इस तरह से करूंगा, तो भाई डेफिनेटली हमारे वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन अच्छा जाएगा। तो भाई ये चीज आपको करनी है। अगर आप अब तक ये मिस्टेक कर रहे थे कि भाई अपनी वीडियो को सिर्फ ब्लैंक जाने दे रहे, बस सिर्फ जो आपने कट टू कट किया है, जो आपने फंबलिंग की है, सिर्फ वो काटी है, अगर आप अब तक ऐसे कर रहे थे, तो भाई उसके अंदर टैक्स लगाना शुरू करो, तभी आपकी वीडियो को लोग देखना शुरू करेंगे। जो भी आपके व्यूवर्स होंगे या जो मेरे व्यूवर्स जैसे आप देख रहे हो, आप यहाँ तक आए हो, तो भाई कुछ ना कुछ तो इसके अंदर वीडियो के अंदर बात होगी जो आप यहाँ तक देख रहे हो इस वीडियो को भाई। तो भाई ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शॉट्स, या आपको कुछ ना कुछ टैक्स या एनिमेशन वीडियोज लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि आप कहाँ से आप फ्री में इमेजेस या फ्री में वीडियोज आप ले सकते हो, जो आप अपनी वीडियो में समझा सकते हो, प्रैक्टिकली थोड़ा दिखा सकते हो, ताकि थोड़ा सा एक अट्रैक्शन बना रहे सामने व्यूवर्स को। ठीक है, तो ये चीजें अच्छी लगती है। जब आप इस तरह की एक वीडियो एडिट करोगे, तो भाई आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा जाएगा। जब YouTube की एल्गो समझ जाती है कि भाई इसका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है, क्योंकि अच्छा ऑडियंस रिटेंशन अच्छा कब होता है, जब आपकी वीडियो अच्छी होती है, आपकी वीडियो जब अच्छी एडिट होती है, तभी आपकी वीडियो को लोग पूरा देखते हैं। जब पूरा देखेंगे तो भाई एल्गो समझ जाएगी YouTube की कि भाई वीडियो में कुछ दम है, तो भाई YouTube भी आपको प्रमोट करता है। ठीक है, अगर इस तरह का कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे भाई आने वाले टाइम में, क्योंकि भाई कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है डे बाई डे। कॉम्पिटिशन में ये नहीं कह रहा हूँ भाई आज ही से ही बढ़ाया, 1 साल से बढ़ाया, भाई कॉम्पिटिशन हमेशा बढ़ता रहता है। जब भी आप कुछ शुरू करने की कोशिश करोगे, तो भाई आप कुछ लोग तो ये सोच के रह जाते हैं यार भाई कॉम्पिटिशन बहुत है, हमारा तो पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ये आपकी गलत सोच है भाई। कॉम्पिटिशन कभी कम नहीं होता। कॉम्पिटिशन आज से आप 5 साल पहले की बात करूँ तो भाई तब भी कॉम्पिटिशन था, और आज से 10 साल आगे की बात करूँ तो भाई कॉम्पिटिशन जब भी रहेगा और कॉम्पिटिशन बढ़ी जाएगा। तो भाई ये बात मन में मत लाना, अगर जो आप इस चीज को सोच रहे हो कि भाई कॉम्पिटिशन बहुत है, तो भाई इस चीज से डिमोटिवेट होकर मत बैठना। अगर आपको कुछ करना है YouTube में या अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो भाई साहब कॉम्पिटिशन चाहे जितना हो, जिसको बढ़ना है भाई वो तो बढ़ेगा आगे। भाई मैं भी यही बात सोच रहा था, लेकिन नहीं,
जब देखा कि हाँ भाई बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब में, भाई यूट्यूब में तो काफ़ी लोगों ने लाखों चैनल्स हैं, हमारा पता नहीं नंबर आएगा, लेकिन नहीं भाई, आज अगर कोई भी वाउटेक सर्च करता है तो भाई नंबर वन पर आता है दोस्त, क्योंकि भाई 100+ वीडियोस डाल चुका उसके अंदर, मैंने मेहनत करी है यूट्यूब के अंदर भाई, और आगे भी मेहनत करता रहूँगा, चाहे व्यूज़ आए या ना आए, व्यूज़ एक आए या दो आए, मुझे उससे मैटर नहीं करता भाई व्यूज़ के मेरे कितने आ रहे, लेकिन मुझे कंसिस्टेंसी से लगे रहना है, मुझे यूनिकनेस देनी है अपनी वीडियोज़ के अंदर, मुझे क्रेडिबिलिटी के साथ अपना वर्क करना है, मुझे कोई मिसलीड नहीं करना है भाई, मुझे यूट्यूब पर कुछ ग्रोथ करनी है, इस वजह से मैं यूट्यूब पर आया था भाई, और अभी भी मैं यूट्यूब पर वर्क कर रहा हूँ कंटिन्यू और करता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो हर हालातों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है, चाहे कैसे ही हालात उस पर आ जाए, चाहे एक व्यूज आए तब भी वीडियो बना रहे, और 1,000 व्यूज आए तब भी वीडियो बना रहे, और 1,00,000 व्यूज आए तब भी वीडियो बना रहा है, जो उन हालातों से गुजरा है कि जब उसके 1 व्यूज आ रहा था भाई तब भी वीडियो बना रहा, जो इन हालातों को पार करके जो आगे निकल जाता है भाई वही सक्सेस होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।